नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में। और आज हम बात करेंगे इस भीषण गर्मी में लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, किस तरह से अपना बचाव करना चाहिए, साथ ही साथ जो बढ़ता प्रदूषण है उससे आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पार्थिव सांगवी, जो कि कंसल्टेंट है, सर्जन भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि इस वक्त मौसम बदल रहा है, गर्मी भीषण पड़ रही है, लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि स्कूलों में भी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उनको भी चक्कर आ रहे हैं, वो गिर जाते हैं, क्या ये सिर्फ डिहाइड्रेशन है या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे आपके शो पे बुलाया। आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे ये कहना है कि फिलहाल जो जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है मई के महीने में, और गर्मी का हर एक शहर में अगर आप देखेंगे या छोटे गांव कस्बे में भी देखेंगे, टेम्परेचर्स करीबन 40 के आसपास चल रहे हैं, हीट स्ट्रोक और साथ में डिहाइड्रेशन की शिकायतें बहुत ही आती है। तो इसके वजह से छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलते टाइम भी गिर जाते हैं और उनको सनस्ट्रोक लग जाता है या और डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो कठिनाई है ये मई के महीने में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है जी। तो हम इसको लेकर कितना सावधान होने की जरूरत है, क्या ये कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं अगर बार बार आपको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है तो? देखिए, गंभीर बीमारी के तो लक्षण नहीं है, लेकिन हाँ जरूरी है कि इससे हम सावधान रहे और ज्यादातर जब तक हो सके जो पीक आवर्स है दोपहर के, यानी कि 12 से 2, 12 से 3 या कई कई जगह पे 12 से 4 तक बाहर धूप में ना चले, क्योंकि इससे ये हीट स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर बहुत ही जरूरी काम है तो ही सिर्फ बाहर जाए, और अगर जाए तो हो सके तो क्लोज्ड व्हीकल में जाए, बंद व्हीकल में जाए, जिससे आपको हीट स्ट्रोक ना हो। दूसरी बात जो सावधान हमें रहने की जरूरत है कि पानी का प्रयोग भरपूर करें, पानी बीच बीच में हर आधे घंटे एक घंटे में करीबन हो सके तो आधा ग्लास, एक ग्लास, दो ग्लास पानी पीने चाहिए। हो सके तो ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि ठंडा पानी ये सीजन में वायरसेस के वजह से आपका गला भी खराब कर सकती है। तो सादा जो पानी है पीने का वही पीजिए, और पूरे दिन में पानी का प्रयोग ज्यादा करें, क्योंकि आपको जो तापमान है उसके वजह से पसीना बहुत आएगा। हम जितना पानी पीते हैं उतना ही शायद हमको पसीना आके निकल जाता है, तो शरीर में पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है। तो इसको हमको सप्लीमेंट करना है और पानी पीते रहना है। डॉक्टर, इसके अलावा गर्मियों के मौसम में आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से लिक्विड पर आ जाते हैं, लिक्विड ही पीते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाहर गए और कुछ ठंडा पी लिया, आइसक्रीम शेक, कोल्ड ड्रिंक, इस पर ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, कितना हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए? देखिए, एक साथ अगर गर्मी में आप ठंडा आइसक्रीम लेंगे तो बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपके गले में इन्फेक्शन हो सकता है, गले में खराश आ सकती है, या फिर शायद आपको उससे भी ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसके जगह पे अगर जब तक आपका बाहर से अगर आप आते हैं तो आपका टेम्परेचर थोड़ा कूल डाउन नहीं होता है, तब तक बर्फ वाली चीजें या ठंडी चीजें का प्रयोग ना करें, जल्दी से ना लीजिए, क्योंकि गर्म और ठंडी में कभी कभार वायरसेस की पनपने की ज्यादा आशंका रहती है, और इसके वजह से आपको गले में खराश, सोर थ्रोट ये वगैरह, ये सब सर्दी वगैरह खांसी हो सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि तुरंत जब टेम्परेचर चेंज होता है तो बहुत ही ज्यादा ठंडी चीज का प्रयोग ना करें। आप अगर शाम को सूरज ढलने के बाद वगैरह कोई आइसक्रीम वगैरह लेते हैं तो ज्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन दोपहर के टाइम पे ये एकदम बर्फीली चीज है, ठंडा पानी, बर्फ का पानी, ये सबसे दूर रहे। बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर, देखिए अभी हम देख रहे हैं कि लोग ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल बच्चे जाते हैं तो वहाँ एसी में रहते हैं, ठंडे माहौल में रहते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो फिर गर्मी, फिर एसी में आना, ऐसे में एंजाइटी, सफोकेशन, बहुत ज़्यादा लोगों को शिकायतें आ रही हैं। इससे बचने के लिए लोगों को किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके लिए कोई मेडिसिन है या मेडिसिन की जरूरत नहीं है? देखिए, आपने खुद ही उसका उत्तर दे दिया। जैसे ये जो टेम्परेचर चेंज बार बार होता है तो जो शरीर है, मानव का जो शरीर है, वो एक फिक्स टेम्परेचर रेंज में लेने की
उसकी रहने की आदत होती है। तो जब आप अंदर रहते हैं, कमरे में रहते हैं, जैसे बच्चे क्लासरूम में रहते हैं और टेम्परेचर अंदर क्लासरूम का एसी के साथ 22-23 डिग्री रहेगा, और बाहर आप आ जाते हो सीधा आप 35-40 डिग्री में अगर आ जाते हैं, तो ये इतना जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो शरीर के लिए हानिकारक होता ही है। और इस ये ना हो उसके लिए आपको स्लो ट्रांजिशन करना है, ज्यादा ठंडी से ज्यादा गर्मी में ना जाए और ज्यादा गर्मी से ज्यादा ठंडी में ना जाए। तो ये अगर थोड़ा करेंगे, नहीं तो बुखार या ये सब बीमारियां वायरल इलनेसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे हमने केसेस देख रहे हैं कि फीवर जो है वो लोगों को बहुत आ रहा है आजकल, फीवर, कमजोरी फील होना, गले में खराश होना, गला खराब होना। फीवर की मेन वजह जो है वो ये हीट स्ट्रोक है। गर्म अगर बाहर का तापमान रहता है तो शरीर भी वैसे ही गर्म हो जाता है, जैसे आप बाहर पानी रखेंगे तो पानी भी गर्म हो जाता है अगर अगर सूरज के किरण उस पर पड़ते हैं घंटों। सादे पानी के जो बॉब्स रखते हैं हमारे सिर के ऊपर, उससे टेम्परेचर हमारा शरीर का हम कम करते हैं और बुखार कम करते हैं। अगर बुखार आता है तो हो सके तो गोलियां मत खाइए, क्योंकि अगर बुखार की आप गोली लेंगे, जैसे पैरासिटामोल जो गोली है जो बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, अगर वो लेंगे तो आपका बुखार तो चला जाएगा लेकिन पसीना खूब बहुत ज्यादा हो जाएगा और इसके वजह से आपको डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ सकती है। तो इलाज बहुत सिंपल है, अगर आपको बुखार आता है तो ये वायरल फीवर है, अगर गले में खराश रहती है तो वायरल है, और इसका इलाज जो है सिंपल, आप ठंडे पानी के जो कपड़ों सिर पे रखिए, या फिर आप पानी का तो प्रयोग करिए ही करिए, सादा पानी, बर्फीला पानी बिल्कुल ना लीजिए, और अगर कफ वगैरह की शिकायत है तो आपके डॉक्टर को दिखाइए जो आपको कफ सिरप वगैरह इसके इस्तेमाल के लिए। इसके अलावा डॉक्टर देखिए, अभी गर्मी पड़ रही है, आने वाले समय बरसात का मौसम भी आएगा, तो बरसात के मौसम के लिए हम लोग पहले से ही प्रिपेयर होने शुरू हो जाते हैं लेकिन अपनी हेल्थ के प्रति प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में बरसाती मौसम में किस तरह की बीमारियां हैं जो आपको जकड़ सकती हैं, जिसके लिए हमें पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है? तो जैसे बरसात के सीजन आती है वैसे वायरसेस भी चेंज हो जाते हैं, हवा में भी वायरसेस रहते हैं, और साथ में बाहर की जो भी आप चीजें खाते हैं तो कृपया ये देखिए कि वो गर्म है, उबाली हुई है, बिना उसके मत खाइए, क्योंकि नए पानी के साथ नई बीमारियां भी आ सकती है, जिसको हम अंग्रेजी में वाटर बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं। तो वो वाटर बॉर्न डिजीजेस यानी कि पानी के माध्यम से बीमारियां आती है, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है या डायरिया वगैरह हो सकता है। तो उबला हुआ पानी पीजिए, और जो खाना खाएंगे वो भी बॉइल्ड हो, स्वच्छ हो, उसके आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गई बात गर्मी की, और बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती है उससे बचाव कैसे आप करें। लेकिन आज के लाइफस्टाइल में लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पर उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से देना चाहिए। पॉल्यूशन, उस पर बात नहीं हो पा रही है, लोग पॉल्यूशन को नहीं समझ पाते, सिर्फ ये पर्यावरण को प्रभाव डालता है पॉल्यूशन, सिर्फ इस तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन आपको कितना प्रभाव डाल रहा है पॉल्यूशन ये लोग नहीं समझ पाते हैं। हमारे फेफड़े हों उन पर कितना इफेक्ट डालता है, हमारी आंखों पर, हमारी नोज पर इतना ज़्यादा इफेक्ट डालता है, इस पर लोग बात नहीं करते हैं, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। सही बात है, पॉल्यूशन पिछले दिनों में आपको तो मालूम है कि ठंडी की जब सीजन आती है सर्दियों में, खास करके नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन का बहुत ही प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, और ये प्रॉब्लम के कई कारण है, जैसे पराली को जलाना वगैरह ये एक है, लेकिन अभी का जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है ये एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम चल रहा है, खास करके बड़े शहरों में। छोटे शहरों में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ रही है उसके वजह से पॉल्यूशन काफी मात्रा में बढ़ रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के वजह से धूल ज्यादा जम जाती है, धूल फैलती है, और हवा में एक जगह से दूसरी जगह धूल बहुत ही ज्यादा फैलती है। इसके वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, दमा वगैरह है, ये सब बढ़ जाते हैं। और यही चीज जब टेम्परेचर कम हो जाएगा, जब बारिश गिरेगी तब हम देखेंगे कि टेम्परेचर काफी कम हो जाएगा, तो ऐसे चेंज ऑफ सीजन्स में भी हम देखेंगे कि अस्थमा की तकलीफ, अस्थमा के जो मरीज है उनको भी अस्थमा का दौरा बढ़ जाएगा,
तो ये एक चेंज ऑफ सीजन्स का भी प्रॉब्लम है। दूसरा जो है, बड़े शहरों में तो कहा जाता है कि अगर आप रस्ते पे चल भी रहे हो पूरा दिन, अगर आप बाहर रहते हो तो करीबन आप 20 सिगरेट का बोझ आप खुद ले रहे हो, यानी कि जितना कचरा और जितना पोल्यूशन आप सिगरेट पीने में अगर लगाते हो, तो वो आप बड़े शहरों में कुछ ना करते हुए, तंबाकू का सेवन ना करते हुए भी आप करीबन 20 सिगरेट तक ले रहे हो, इतना धुआं और पोल्यूशन है। जब बारिश की मौसम आएगी, तब बारिश के मौसम के टाइम पे जो पार्टिकुलेट मैटर है, जिसकी यानी कि जो धूल वगैरह है, वो तो काफी सेटल हो जाएगी, लेकिन जो हवा में केमिकल्स घूम रहे हैं फैक्ट्रीज के वजह से या व्हीकल्स या ट्रांसपोर्ट के वजह से, वो चलते रहते हैं, और इसके वजह से एसिड रेन कई जगह पे देखा जाता है कि जो बारिश होती है, बारिश जब गिरती है वो जहरीली हो जाती है और उसके साथ कई बीमारियां फैल सकती है। हाँ सर, मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि इससे बचने के लिए हमें किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि पोल्यूशन से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम मास्क लगा लेते हैं, और वो भी चलन कोरोना के बाद ज्यादा हुआ। इससे पहले तो कभी हमने पोल्यूशन के बारे में सोचा ही नहीं कि हमें मास्क लगाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मास्क हमेशा लगाया जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क लगा के चलते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में मास्क का चलन कोरोना के बाद से ही हुआ है। तो पोल्यूशन के लिए देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज में बदलाव होने की जरूरत है। खास करके ज्यादा पोल्यूटिंग व्हीकल्स को रस्ते पे लाना नहीं चाहिए, बार बार उनकी चेक होनी चाहिए, और साथ में अगर हम देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। बड़े पब्लिक व्हीकल्स जो है, जो सीएनजी पे चलते हैं, या अभी तो बसेस भी बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक पे चलने वाली बसेस आ गई है, तो उससे पोल्यूशन कम हो सकता है। और अगर बार बार व्हीकल अपनी गाड़ी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कंडीशन अच्छी है, ज्यादा पोल्यूशन नहीं करती है, पोल्यूशन चेक्स उनके ऊपर रेगुलरली होते हैं, अगर ये सब ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल पोल्यूशन कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा महत्व का है कि ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उनको पूरी तरह से बैरिकेड करके बंद रख, बाहर से अगर बंद रखे तो उनसे धूल मिट्टी वगैरह जो उड़ती है वो कम मात्रा में हो जाएगी। लेकिन जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन वगैरह चलती रहेगी एक्टिविटीज, पोल्यूशन कम होना बहुत ही मुश्किल बात है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो पोल्यूशन है वो हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है? दो सिस्टम सबसे ज्यादा, या एक तो यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो नाक से लेके हमारे श्वास नली और फेफड़े में जाती है, फेफड़ों में जाती है, ये पूरा सिस्टम खराब हो सकता है। और दूसरा जो है वो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है, जो जिसके वजह से हम हमारे पाचन क्रिया वगैरह होती है, पेट है जैसे, तो हाजमे के लिए। और ये सब क्यों है? क्योंकि हम अगर खाना भी सही खाएंगे लेकिन रस्ते का खाना खाएंगे, भले ही गर्म होगा लेकिन अगर पोल्यूशन रहेगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें रस्ते की धूल मिट्टी वगैरह सब मिला के आप खाना खा रहे हैं। तो भले ही आप ठेले का कुछ खाना खाते हैं, भले ही उबला हुआ खाना खाते हैं, लेकिन क्योंकि पोल्यूशन है, बाजू में समझो कंस्ट्रक्शन साइट है या रास्ता है, तो वो सब धूल उड़ के आपके खाने में जाने वाली है और आपका खाना खराब ही करेगी और आपको पेट का इन्फेक्शन करेगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी अभी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो रोड पोल्यूशन, व्हीकल्स पोल्यूशन, आप देखेंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हीकल्स है, जैसे पर किलोमीटर जिसको बोलते हैं व्हीकल डेंसिटी, तो हमारे देश में 1000 से ज्यादा व्हीकल्स पर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर व्हीकल्स ज्यादा रहेंगे तो पोल्यूशन तो कम होगा नहीं। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज कम रहेगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज सही रहेगी, पर्सनल ट्रांसपोर्ट के ऊपर पाबंदी आएगी, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, जैसे सिंगापुर में है, कोई अपना पर्सनल व्हीकल नहीं लाता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही ध्यान देता है, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही रहेगी, लोग अपने व्हीकल्स कम निकालेंगे, तो अपने आप, जैसे कोविड के दरमियान हुआ था जब लॉकडाउन था, तब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बढ़िया हो गया था क्योंकि कोई व्हीकल्स ही नहीं निकलता उस टाइम। तो अगर यही चीज अगर कंटिन्यू हो सकती है तभी अपना पोल्यूशन अंडर कंट्रोल आए। अगर इस मौसम में सबसे ज्यादा पेशेंट आपके किस बीमारी को लेकर आते हैं,
क्योंकि देखिए गर्मियों में लोगों को, जैसे मैंने पहले ही पूछा था कि चक्कर तो आते हैं, एंजाइटी होती है, लेकिन लोग वहीं तक सीमित हो जाते हैं, कई बार मेजर प्रॉब्लम भी होती है। जो लोग, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट आपको आया है, आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, लोग ये समझते हैं कि एंजाइटी है, जब अस्पताल में जाते हैं, जब चेकअप होता है तो पता चलता है कि कार्डियक अरेस्ट उसे आया था, इस वजह से या तो गंभीर हालत हो गई है या फिर डेथ हो गई है। इसके कई कारण है, जैसे आपने बताया कार्डियक अरेस्ट के आंकड़े काफी बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके कई कारण है। एक तो स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स हमारे आम जिंदगी का एक अंग हो गया है, हर एक को स्ट्रेस रहता है, काम का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, और इसके वजह से हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी सही है कि नहीं है। तो इसके वजह से यंगस्टर्स में भी अभी हार्ट अटैक्स, कार्डियक अरेस्ट की तादाद बढ़ रही है, और इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि स्ट्रेस लेवल्स कम रख करें, स्ट्रेस लेवल्स होने ना पाए, और साथ में आपका रेगुलर चेकअप करें, यानी कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों महामारी का आपको रेगुलर चेकअप करता रहना चाहिए, क्योंकि कभी आ सकती है, अगर आती है तो इसका इलाज करें। और कोलेस्ट्रॉल खास करके एक साइलेंट किलर माना जाता है, ऐसे कहा गया है कि बाय 2050 यानी कि साल 2050 तक डायबिटीज जो है वो इंडिया में इतना फैल जाएगा कि इंडिया विल बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की जो राजधानी डायबिटीज की है वो भारत देश रहेगी, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफी वेस्टर्नाइज हो रही है, लोगों का जो रहन सहन है, खाना पीना जो है वो वेस्टर्न स्टाइल में जा रहा है, और हमारा जो एक्सरसाइज लेवल है वो काफी कम हो रहा है। एक्सरसाइज कम, वेस्टर्नाइज लाइफस्टाइल, जंक फूड, ये सभी मिलके और सबको आगे निकलने की रेस में जो है, तो उसके वजह से स्ट्रेस लेवल्स, तो ये एक ऐसा मिक्सचर कर देते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका डायबिटीज सभी आउट ऑफ रेंज हो जाता है, और बहुत ही छोटी उम्र में हार्ट अटैक्स, पैरालिटिक स्ट्रोक्स की संभावना बढ़ जाती है। सही कहा, और इसके पेशेंट बहुत छोटी उम्र में आजकल ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, क्या गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गर्मियों में भी तला भुना खाना बेहद पसंद करते हैं, केमिकल्स उसमें से उत्पन्न होते हैं जिसके ट्रांस फैट्स कहते हैं, और ये ट्रांस फैट्स जो है वो हमारी खून की जो धमनियां है शरीर में उसको जाम ब्लॉक कर देती है, और इसके वजह से पेशेंट्स को आगे चल के हार्ट की बीमारियां, पैरालिटिक स्ट्रोक्स, ये सब बढ़ जाती है। सो बाहर का खाना, तेल वाला जो है वो सब खाने से परहेज रखे, और खुद पे ध्यान रखे, खुद का ध्यान रखे, एक्सरसाइज और कुछ नहीं, दिन का 24 घंटे में से अगर एक घंटा आप अगर अपने आप को देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ नहीं तो सिर्फ एक घंटा अगर वॉकिंग करेंगे, चलने की एक्सरसाइज करेंगे, फिर उससे भी कई परसेंटेज, कई गुना आपको फायदा हो जाएगा, और आपको आगे चल के ब्रेन और हार्ट की बीमारियां, डायबिटीज की तकलीफें, ये सब कंट्रोल में आ जाए। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए सभी की डाइट अलग अलग है डॉक्टर, चाहे वो मासूम बच्चे हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों, या फिर वो 30+ हों, 30-40 के बीच में हो। गर्मियों में हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? कई बार हम होता है कि ठंडा पीने के चक्कर में हम कोल्ड ड्रिंक पे चले जाते हैं, तो ऐसा क्या हम खाएं पिएं कि हमारी बॉडी में एनर्जी भी बनी रहे, हमारा जो हाइड्रेशन लेवल है वो भी सही रहे, साथ ही साथ हमारा पेट ठंडा रहे? कहा जाता है कि अगर पेट गर्म रहेगा तो आपकी हालत वैसे ही खराब हो जाएगी। खाने में हो सके तो जो खाना आपके घर का है, प्रॉपरली बनाया हुआ है, प्रॉपरली कुक्ड है, वो ही खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना से दूर रहे, और अगर फिर भी बाहर का खाना खाना पड़े तो बराबर से कुक किया है, उबला हुआ है, और ज्यादा टाइम उसको बाहर नहीं रखा, यानी कि डायरेक्ट जैसे बनाया है उसके बाद आप कंज्यूम कर ले, क्योंकि अगर लंबा समय तक अगर बाहर रखेंगे तो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं और वो खराब हो सकता है, तो उसका भी ध्यान रखना है। दूसरा है जो काफी ये सीजन में आप देखेंगे, तरबूज सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फल जो है वो गर्मियों में तरबूज है, क्योंकि तरबूज में 95% उसमें पानी है, तो आपको हाइड्रेशन की जरूरत है, पानी पीते रहना है, और पानी यानी कि आपको सादा पानी, फ्रूट जूस, अगर
आपको कोल्ड ड्रिंक्स लेना है तो कोल्ड ड्रिंक्स भी मैं समझता हूँ कि ज्यादा ठंडा मत लीजिए, और कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, तो डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर की मात्रा ज्यादा अगर होती है तो उनके लिए सही नहीं है, तो कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रहे, कोई भी एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स से दूर रहे। तो आपको जो है फ्रूट जूसेस और पानी, ये दो सिंपल चीज है, इसका सेवन सबसे ज्यादा करना है। खाना जो पूछना चाहूंगी कि आपने कहा कि जूसेस जो है उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए, आजकल हम देखते हैं कि पैक जूस की तरफ जो लोग हैं उनका झुकाव ज्यादा है, लोग पैक जूस की तरफ जाते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा प्रिजर्वेटिव होता है, शुगर लेवल ज्यादा होता है, ये कितना हार्मफुल हो सकता है? प्रिजर्वेटिव्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, क्योंकि इनकी मात्रा जो है वो FSSAI नाम का जो बॉडी है उसके हिसाब से होती है। लेकिन आपने जो सही कहा कि शुगर की मात्रा काफी ज्यादा रहती है, और शुगर इज अ प्रिजर्वेटिव इन इटसेल्फ, यानी कि शुगर एक प्रिजर्वेटिव हो जाता है। तो अगर शुगर की मात्रा ज्यादा रहेगी तो आगे चल के ये बच्चों, अगर बच्चे लेते हैं ज्यादा ये सब शुगरी ड्रिंक्स, तो आगे चल के उनको ओबेसिटी यानी कि मोटापा, आगे चल के हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। और इसके लिए आज रिसर्च ने भी ये साबित किया है कि जिन लोगों को उम्र के 20, 25, 30, 40 साल में या 50 साल में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की बीमारियां आती है, तो उनका अगर हम मूल ढूंढने को जाए, उसका ओरिजिन ढूंढने को जाए, उसका जन्म ढूंढने को जाए, तो वो बच्चों से शुरुआत होती है। क्योंकि बिल्कुल हमें बदलाव अभी से लाने की जरूरत है, वरना आगे चल के हमारी हेल्थ और ज्यादा खराब हो सकती है। बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि बच्चों को किस तरह से अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए डॉक्टर, ये भी जानना चाहूंगी कि छोटे छोटे बच्चे आजकल स्कूल जा रहे हैं, पहले गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो 2 महीने की पड़ती, लेकिन अब समर कैंप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, तो ऐसे में जो माएँ हैं, क्योंकि माओं का हमेशा सवाल रहता है कि वो अपने बच्चों को क्या कुछ ऐसा लंच में दे, क्या कुछ ऐसा दे कि उनके बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहें, डिहाइड्रेट ना हो, साथ ही साथ एनर्जी लेवल उनका बना रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय पर स्विमिंग करते हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, इनडोर भी आउटडोर भी। देखिए जैसे एक्टिविटी लेवल बच्चों में बढ़ जाएगा, वैसे उनकी जो न्यूट्रिशन यानी कि जरूरतें है शरीर की वो भी बढ़ जाएगी। तो जैसे स्कूल में जाता बच्चा जिस लेवल का खाना खाता है उससे खेल कूद में कैलोरीज ज्यादा यूज हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, तो कैलोरीज की तादाद बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमें उतना ज्यादा खुराक देना होगा, और पानी यानी कि अगर आप उनको लिक्विड्स देना चाहे तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जो है वो नींबू पानी है, क्योंकि नींबू पानी में आपको शुगर भी मिलेगा, नींबू पानी में आपको सॉल्ट भी मिलेगा, और नींबू पानी में आपको नींबू है के वजह से विटामिन सी भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सबसे सस्ता और अच्छा इलाज जो है वो नींबू पानी है। तो जितना हो सके बच्चों को आप नींबू पानी दीजिए, उससे उनके जो गर्मी के वजह से जो पसीने में शरीर का नमक चला जाता है वो भी आप उसमें वापस आ जाएगा, और पानी चला जाता है वो भी आ जाएगा। और बाकी उनको जो खाने में जो चाहिए, सिंपल घर का खाना, दाल चावल रोटी चपाती, हाँ कभी कभार कोई मिठाई वगैरह है तो ये दीजिए, लेकिन हो सके तो फरसान वगैरह चीजों से दूर रहे, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, आखिर में बस यही पूछना चाहूंगी आपसे कि कोई खास मैसेज इस गर्मियों के मौसम में और बढ़ते पॉल्यूशन में आप जनता को देना चाहें, किस तरह से अपना ख्याल रखें? गर्मियों में हो सके तो दोपहर के टाइम पे अगर काम ना हो तो रास्ते पे ना घूमे, पूरे दिन भर में जितना हो सके बार बार पानी पीते रहे, फ्रूट्स खाते रहे या पीते रहे, खास करके जिस फ्रूट में जैसे तरबूज है पानी का उसमें प्रमाण ज्यादा रहता है वैसे लीजिए, नींबू पानी वगैरह और पीते रहे, क्योंकि उससे आपका शुगर भी मिल जाएगा, आपका नमक भी हो जाएगा, और आप में ताकत एनर्जी भी रहेगी। और हो सके तो प्रॉपर कपड़े पहन के ही बाहर जाइए, नहीं तो उससे भी आपको सनस्ट्रोक, सन बर्न्स हो सकते हैं, खास करके त्वचा के ऊपर जो एक्सपोज्ड पार्ट्स है, यानी कि अगर आपने हाफ स्लीव का शर्ट पहना है तो आपके हाथों के ऊपर आपके चेहरे पे आप सनस्क्रीन लगाइए, तो जिससे सन बर्न्स ना हो। तो ये सब थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज है, उसका ध्यान रखना। चलिए डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मौसम पर, बदलते मौसम पर बात करने के लिए, ताकि लोगों को समझ में आए
कि गर्मी के मौसम में किस तरह से अपना ध्यान रखें, किन चीजों को अवॉइड करें, किन चीजों को खाएं पिए ताकि आपका एनर्जी लेवल बना रहे और गर्मियों में आप डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। साथ ही साथ पोल्यूशन पर भी हमने बात की है, पोल्यूशन में किस तरह से अपना ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, साथ ही साथ जिस तरह से पोल्यूशन आप पे इफेक्ट डाल रहा है आपको जानने की जरूरत है कि आखिर ये क्यों हो रहा है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। फिलहाल फिर इतना ही, अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी और डॉक्टर के साथ, किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।